हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊँ किस तरीके से आप अपने फेसबुक मैसेंजर को लॉग आउट कर सकते हो। हाउ टू लॉग आउट फ्रॉम फेसबुक मैसेंजर। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो हमारा फेसबुक मैसेंजर अभी लॉग इन होकर है, तो अभी हम इसको लॉग आउट करके दिखाएंगे। तो लॉग आउट करने के लिए आपको फेसबुक का ऑफिशियल ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट साइड पर थ्री डॉट वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है। सो आपको इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के नीचे आपको सिक्योरिटी एंड लॉगिन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलता है वेयर यू आर लॉग्ड इन, और साथ ही साथ आपको ब्लू लाइन में लिखा है सी ऑल, तो आपको सी ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपना डिवाइस शो हो जाएगा। सो हमारा फेसबुक मैसेंजर भी यहाँ पे शो हो रहा है, मैसेंजर 23 मिनट्स अगो। सो लॉग आउट करने के लिए आपको सिंपली लॉग आउट ऑफ ऑल सेशन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको फिर से लॉग आउट वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस ब्लू लाइन वाला लॉग आउट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका फेसबुक मैसेंजर लॉग आउट हो जाएगा। सो मैसेंजर की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है। सो फ्रेंड, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है लॉग बैक इन, यू हैव बीन लॉग आउट ऑफ मैसेंजर। तो मैसेंजर ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सेशन एक्सपायर, प्लीज़ लॉग इन अगेन। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अपना फेसबुक आईडी का मैसेंजर को लॉग आउट कर सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है लॉग इन अगेन, अगर आप लॉग इन फिर से करोगे तो आपका मैसेंजर लॉग इन हो जाएगा।